अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का काम तेजी से किया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हजारों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में विभिन्न स्थानों पर हजारों श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में तमाम नई योजनाएं ला रही है। इसी कड़ी में अयोध्या में आए पर्यटकों के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों को सरकार शुरू कर रही है। इन बसों को आज सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये हमारा जो है प्रयास है कि एक हम स्वच्छ वातावरण में लोगों को परिवहन व्यवस्था दें, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चलने वाली हैं, जिसमें कि एसपीवी का गठन हो चुका है, जिसका नाम है अयोध्या सिटी बस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। और इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ जो अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें 150 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, जो कि सारे जो वीवीआईपी गेस्ट्स हैं और जो भी आमंत्रित जो हमें अतिथिगण हैं उनको हम लोग लेकर आएंगे उससे। और इसके अलावा बहुत सारी परिवहन निगम की बसेस हैं, वो भी अन्य शहरों से आएंगी। साथ ही जो सीएनजी ऑटो है, टेम्पो टैक्सी है, उसको प्रमोट करने के लिए जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो उनको हम नियमानुसार बहुत लिबरली हम जारी कर रहे हैं कि शीघ्रता से हम लोग जारी कर रहे हैं, ताकि बेहतर एक आवागमन की सुविधा सभी लोगों को मिले। जो चालक हैं उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं मेरा चालक मेरा मान अभियान के जरिए, जिससे कि जो अयोध्या में लोग आते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर से परिचय होता है उनका, तो जब ड्राइवर हो वो इस तरह से सुसंस्कृत हो, बहुत शिष्ट हो कि बड़ा एक अच्छी सुंदर छवि लोग लेकर जाएं देश विदेश में अयोध्या की, कि यहाँ का चालक जो है, यहाँ का ड्राइवर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, यातायात नियमों का पालन करते हैं, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं। तो यही हम उनको ग्रूमिंग कर रहे हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है उनसे हमने कहा है कि कोई भी किराया जो है वो निर्धारित जो किराया है उससे अधिक ना वसूला जाए, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म में रहें कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स। ये सभी पॉइंट्स पे हम लोगों ने बहुत डिटेल पर काम कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क करके, बैठकें करके और सड़कों पर खुद चेकिंग करके देख रहे हैं कि गाड़ियों का जो फिटनेस है और टैक्स वगैरह है, प्रदूषण मुक्त हों गाड़ियाँ, ये सब चीजें जो है अपडेटेड रहें, इन्हीं पर काम चल रहा है। साथ ही ई ऑटो का भी प्लान है, तो ई ऑटो भी अब आ चुके हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है, और बहुत जल्द अयोध्या की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज भी दौड़ेंगे। इनकी खास बात ये है कि अयोध्या में आए पर्यटक जब इन बसों में बैठेंगे तो इन बसों में भगवान राम के भक्ति संगीत सुनने को मिलेंगे, जिससे पर्यटक और भी राममय हो जाएंगे।